हम गरीब हैं। अच्छा ये बताओ आज कितने बच्चे गरीब हैं इसमें, नहीं सोचना ये दिमाग से निकाल देना, कोई गरीब नहीं है। अभी एक मेरे पास आए थे एडमिशन के लिए कि हमारे बच्चे को ट्रेनिंग दे दोगे, मैंने बिल्कुल देंगे, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, हम तो निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम गरीब हैं, हो सकता है गरीबों के बच्चों को ना दें, मैंने कहा हम पैसा लेते ही नहीं, हम तो फ्री ट्रेनिंग देते हैं। फिर आपने गरीब बोला तो गरीब कैसे हो आप, कि नहीं बिल्कुल गरीब हैं। तो मैंने गरीब नहीं है अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे अंदर बैठा है गरीब। भाई मैं भी इसी स्कूल से पढ़ाऊँ, यही प्राथमिक विद्यालय 8वीं क्लास तक है हमारे यहाँ स्कूल, उसमें पढ़ाऊँ, प्राइवेट स्कूल देखा ही नहीं है और नौकरी भी करके आया, तो आप क्यों नहीं जा सकते हो। गरीब कोई नहीं है, जब उससे समझाया बोला नहीं मैं गरीब हूँ कैसे मान लूँ, तो हमने उससे यही शब्द बोला कि आप गरीब हो तो आपका हाथ है ये, हम आपको 50,000 रुपये देंगे, क्या अपना हाथ काट के दोगे, बोला 50,000 रुपये में नहीं दूंगा मैं, चल 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 यहाँ से काट दे, बोला नहीं मैं, जब तो 3,00,000 में एक हाथ यहाँ से नहीं दे रहा है, एक हाथ की कीमत क्या है, अंगूठा भी नहीं देने तैयार है तू, तो ये तो पूरा शरीर है, जब शरीर स्वस्थ है आपका तो आप गरीब हो क्या, शरीर सही है तो कोई गरीब नहीं है, मगर एक सोच गरीब बन सकती है, सोच तभी स्ट्रांग होगी, पढ़ाई करोगे और मेहनत करोगे तभी ये स्ट्रांग होगी सोच, जिसकी सोच स्ट्रांग हो गई उसने अपना टारगेट प्राप्त कर लिया, वही IPS, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही फौजी पुलिस वाला, जो जिसके सपने हैं वो पक्का पहुंचेगा वहां तक। अब यही सोचते रहें गरीब 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 तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात ध्यान रखना, जो आप बैठे हो इसी रास्ते से मैं भी निकला हूं, आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। जो हवाई चप्पल पहन सकता है वो हवाई जहाज में उड़ सकता है, ये प्रैक्टिकली आपके सामने खड़ा हूँ। आज के अलावा कोई गरीब नहीं सोचेगा, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही, आप तो अभी चप्पल में आते हो बैग मिल रहा है, जो पुराने लोग हैं उनको पूछना, वो तो समझ रहे होंगे आपको, शायद बच्चों को आजकल भरोसा नहीं होता है कि हम नंगे पैर भी जाते थे स्कूल में, आपको बताएंगे आप भरोसा नहीं करोगे, और इसीलिए हमें थोड़ा सा एक पुरानी बातें याद हैं, इसीलिए आज हम बच्चों से सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जाकर के बच्चों को थोड़ा प्रेरित करते हैं कि इनके दिमाग में जो भरा हुआ है, क्योंकि हम भी बच्चे थे, हम भी यही सोचते थे कि हम गरीब हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर सेना में जाने का मौका मिला तो हमने यही सोचा कि चलो बच्चों को, आने वाली एक पीढ़ी को हम कुछ और नहीं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक फिजिकली ट्रेनिंग और शिक्षा के प्रति जागरूक तो कर सकते हैं। तो बेटा ये बात कभी अपने दिमाग से निकाल देना, आप गरीब नहीं हो, आपके हाथ पैर स्वस्थ रहें बस, और अपने पढ़ाई, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आपको अच्छी कहीं पढ़ाई करके कामयाबी मिल गई तो आप ही राजा हो, ठीक है। तो कभी भी बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं सोचना कि हम गरीब हैं, ठीक है बेटा। पढ़ाई करोगे, भरोसा करें, ठीक है।